हेलो एवरीवन, तो मैं आपको अपने छोटे से बच्चे से मिलवा रही हूँ। ये देखो कहाँ ये सोया हुआ है छुपके कोने में। ये अपना मुंह ढक लेता है तो इसको लगता है इसको कोई नहीं देख रहा है। और ये काफ़ी टाइम से 2-3 घंटा हो गया ये मेरे बच्चे यहीं सो रहा है। ये देखिए है ना, अभी उठ के इसने कैमरा की तरफ देखा फिर सो गया। अब सारे बैग्स पड़े हैं, तकिए हैं, उसके अंदर घुस के उसने अच्छी खासी नींद मारी 2-3 घंटे की। अब उसकी आँख खुली है, फिर भी मौसम सुस्त है बरसात का तो वो आराम से सो ही रहा है। आप कौन सी चिप्स खाने वाली हैं अभी? येलो डायमंड चिप्स मैजिक मसाला फ्री। वैसे आप कौन सी चिप्स खाती हैं? लेस, मगर लेस नहीं है तो अभी ये दिल पर पत्थर रख के ये वाला चिप्स खा रही है। और मैंने अपने लिए पता है क्या निकाला है, मैंने निकाला है अपने लिए ये वाला ये। मैंने कॉफ़ी बनने रखी है मेरी फेवरेट, जो कि सबको पता है वो मेरी फेवरेट कॉफ़ी जो मैं बनने रखती हूँ वो बनने रखी है। और अब मैं ये खाने की सोच रही हूँ बाल। ठीक है तो चलिए आप भी आ जाइए, मैं यूट्यूब फैमिली साथ में ये कुछ थोड़ा थोड़ा खाने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए। और ये है वो फेवरेट कॉफ़ी जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है और बनती है माशाल्लाह से, और बनती भी अच्छी है वैसे। आजकल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जा रही है, थोड़ा मुझे डार्क कलर दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं दूध मिला के पी लूँगी इसमें। कॉफ़ी तो वही है जो हमेशा लेते हैं, पर पता नहीं क्यों डार्क हो गई है, शायद मैंने ज़्यादा डाल दी। तो देखा आपने मेरी कॉफ़ी तैयार हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉफ़ी मेरे हाथ से थोड़ी ज़्यादा गिर गई। और आज मेरा छोटा ट्राइपॉड मेरी बेटी उस पर काम कर रही है बैठ के, वो अपने मीटिंग अटेंड कर रही है उस पर। और बड़ा वाला जो मेरे पास ट्राइपॉड है वो तो टूट के लटक सा गया है और उस पर मैं काम भी नहीं करती हूँ क्योंकि वो टूट चुका है। पता नहीं बच्चे उससे कैसे काम ले लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज बना लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा हिसाब है कि मुझसे तो ब्लॉग मुझे बनाना होता है। तो छोटा गिम्बल तो नहीं बोलूँगी मैं उसको, वो ट्राइपॉड ये कि सबसे छोटे जिसको जहाँ रखो वहाँ सेट हो जाता है, तो वो मेरे पास है तो मेरा काम उसी बनता है। ब्लॉग सारे मैं उसको ही ले लेके बना लेती हूँ, इन्हें दूर नज़दीक की जो भी कहीं भी स्टैंड आ उसको खड़ा कर दिया। तो गिब्बन तो लेने की सोच रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जल्दी, मगर फ़िलहाल वो छोटा वाला जो हर जगह सेट हो जाता है वो ट्राइपॉड से काम चला रही हूँ। और बड़ा वाला भी है मेरे पास मगर वो टूट के लटक चुका है, वो 1 साल पुराना हो चुका है। तो काफ़ी काम दिया, उसने भी काफ़ी काम निकाला है और अभी एक साइड में खड़ा है, लेकिन बच्चे अभी उससे काम ले जाएँ मगर उससे नहीं होता, वो पूरा फ़ोन ही टेढ़ा हो जाता है। तो इसी आज मैं हाथ से काम चला रही हूँ, हाथ मुझे जमता नहीं, अब हाथ दर्द करने लगता है क्योंकि आदत छूट चुकी है। पहले थी आदत तो पकड़ के मैं ऐसे ही 20-15 मिनट निकाल लेती थी, लेकिन अभी तो दुखने लगा है। तो बस अभी जस्ट कॉफ़ी बनाई हूँ, कॉफ़ी निकालूँगी तो और भी है कुछ बातें। और अपने ब्लॉग मैंने अभी नहीं बनाए हैं जो चल रहे हैं आजकल, जो मसला चल रहा है। एक तो मसला हो रहा था श्रेया भाई का, वो गए थे अभी कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले वो गए थे अजमेर शरीफ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में दुआ के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, दुआ होने के लिए। तो वहाँ जो वाक्य पेश आया वो तो सभी दुनिया ने देख लिया और काफ़ी वीडियोस बने और वीडियोस बने चले जा रहे हैं, अब तो बने चले जा रहे हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि जो खादिम होते हैं वहाँ के, उन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, यानी इंसान खुद भी दुआ करे चलेगा ना। वो हमारी सरकार पर हमारा मामला होता है कि बंदा चाहता है कि उनकी बारगाह में जाके वास्ते अल्लाह के सबके में रसूल पाक का उनसे दुआ करें। और जब डायरेक्ट काम हो रहा है तो आप कौन होते हो बीच में टांग लगाने वाले, तो वहाँ उनका ऐसे हिसाब होता है कि भाई हम ही करते हैं सर, आप कुछ नहीं करिए। तो वो नामवर है थोड़े आजकल, तो बहुत ट्रेंडिंग में है श्या भाई, उन्होंने उनके साथ बस शुरू करी जो आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग पे चाहे हुए हैं। और माशाल्लाह से हज के लिए जो पैदल जा रहे हैं तो हर तरफ वही चाहे हुए हैं। तो जब मैं ये सोच रही हूँ कि जब उनके साथ में इस तरह के हरकत खादिम करते हैं, तो अब आप सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या करते होंगे, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं तो उसके साथ क्या करते होंगे। तो अब यह है कि वो एकदम पकड़ के बैठ गए हैं हर दरगाह का, यही हिसाब मेरे ख्याल से।
कि वो जगह पकड़ के इस तरह बैठे हैं कि काम इंसान जा नहीं सकता, दुआ मांग नहीं सकता, मांगेगी तो वही मांगेंगे चाहे हमारी मर्जी हो ना हो। अरे हम कौन से बात करनी होती है ना, उनके दरबार में जाते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके आगे अपने दुखड़े धोते हैं, उनसे दुआ करते हैं, तो ये हम ऐसा चाहते हैं। तो शाह भाई ने भी कहीं ना कहीं यही चाह कि वो डायरेक्ट ख्वाजा बाबा से मांगे, और वो दुआ में मजबूर थे कि उन्होंने इस तरह पता नहीं अजीब हरकत की, क्योंकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि क्या हरकत की। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया और बाद में उस उन खादिम ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं है कि आपने सब कुछ कर दिया, उनको छिड़क दिया, उनको बाहर जाने को कहा, उसके बाद माफ़ी मांग ली, तो आपको ये पता था कहीं ना कहीं कि इसका बहुत बवाल होने वाला है, तो आपने माफ़ी मांग ली। चलो कोई बात सही है, अगर इंसान माफ़ी मांग ली तो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, चाहे कोई ख़ास हो चाहे कोई आम हो, दरगाह सबके लिए है, बाबा सबके लिए हैं, तो मेरे ख्याल से किसी भी खादिम को ये गलती दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा लग सकता है ना, इंसान अपने दुआओं में मशगूल होता है और आपको बस लूकी किए जा रहे हो कि मांगोगे दुआ तो आप मांगोगे, तो ऐसा राज तो नहीं किसी का, बाबा सबके लिए हैं और वो सबकी सुनते हैं और अल्लाह तक सबकी पहुँचाते हैं। तो यही कुछ बातें थी, तो मेरी कॉफ़ी उबल रही है, तो आप लोग भी आ जाइए छोटे मुरमुरे का पैकेट खाने और कॉफ़ी पीने के लिए। ये निकल गई मेरी कॉफ़ी और बीच में देख सकते हैं मिठाई है काजू कतली, और ये है मेरी बेटी की कॉफ़ी, और ये तो निकाल ली है इसने फ्रिज में से ठंडी कॉफ़ी, इसके ऊपर देखो इसकी फ़ोटो भी बनी हुई है, ये अपने कप में पीती है कॉफ़ी। ये गर्म दाली नहीं नहीं ठंडी ठीक है, तुम बहुत मैं थोड़ी सी नहीं मीठी है शक्ल से मेरे को भी लग रही है, तो ये देखो ये अल्लाह, तो इसने फ्रिज में से निकाली ठंडी कॉफ़ी और हमने उबलती हुई कॉफ़ी, ये देखो ये बीच में ये देखिए जिस जिसको चाहिए ले सकता है, ठीक है ये देखिए। आने के बाद अब आई है मुरमुरे की बारी, तो मैं इसको ये फीका वाला है ना तेज तो नहीं है, हाँ नहीं पी गई, तो अब मैं इसको खोलूँगी और खाऊँगी और जिसको चाहिए आइए मेरे साथ खाइए। तो ये देखिए ये खिड़की से बाहर का नज़ारा है और 6:30 होने वाले हैं यानी मगरिब का टाइम करीब आ गया है, तो ये देखिए नज़ारा है ना, बरसात की तरह थोड़ा थोड़ा मौसम हुआ है और बरसात गिर भी चुकी है, तो ये खिड़की से बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और बरसात की वजह से बाहर कपड़े नहीं डाले जा सकते हैं, तो ये हमने यहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए ये देखिए बनाया हुआ है, तो ये बच्चे जो हैं ये सिमटा देते हैं एक में एक, इसकी वजह से सूखते नहीं, हालांकि वॉशिंग मशीन में भी अगर धुलें तो सूखते नहीं हैं, बरसात में पता है ना 4 महीना कपड़ों का कैसी मुसीबत होती है, वो सूख नहीं पाते, तो ये देखिए मैं अलग अलग करती हूँ, ये लोग फिर मिला देते हैं, फिर वो सूखते नहीं हैं, तो इस तरह ये देखिए कपड़े सुखाने का हमने यही बना लिया है। यहाँ पर पर्दा था, पर्दा धोने में डाला है, तो ये देखिए इस तरह कपड़े भी सूख जाते हैं और पर्दे का पर्दा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा तो खुला चाहिए, बारिश में वैसे ही अंधेरा होता है सारी जगह, तो हमने ये किया। ये देखिए ये रहा मेरा गोरा वाला शहजादा सिम्बो, ये भी अभी सो के अंदर से उठकर बाहर आया है, ये बेडरूम में सो रहा था। बाबू इधर देखा मुँह दिखा तुम्हारा, ओ मेरा राजा मेरा कुचू चनो, तो ये भी अभी उठ के सो कर बाहर आया है, और माशाल्लाह से दोनों ने पूरी नींद मारी है, मेरे ख्याल से 2 बजे सोए थे, मतलब 3 घंटे पकड़ रही थी, अल्लाह जाने कितनी देर तक सो लिए। और ये देखिए कुछ नया ये हमने फ्रेम मंगवाई है, ये देखिए है प्यारी लग रही है इस दीवार पे, तो ये अभी इसमें फ़ोटो लगेंगे, ठीक है इसमें फ़ोटो लगेंगे, अभी हमने मंगाना है फ़ोटो, तो हम लोग सोच रहे हैं हमारे जो छोटे प्यारे बच्चे हैं सिम्बा मुफासा और मेरी बच्चियाँ उनके फ़ोटो हमने लगाने के सोचे हैं, तो इधर पे ये दो ये 3 फ्रेम हैं, 5 का सेट आया था, तो ये देखो। तो फ़िलहाल तो हो गई है मगरिब और बज रहे हैं हमारी घड़ी में 7:15, नहीं घड़ी सही है ना अपनी, तो घड़ी में बज रहे हैं 7:15, मगरिब हो चुकी है और अभी तक जो
मेरा छोटा ट्राइपॉड है, मेरी बेटी ही यूज़ कर रही है क्योंकि उसकी मीटिंग अब तक ख़त्म नहीं हुई है, दो पार्ट की थी वो फिर मीटिंग में ही है। तो बस अंधेरा होने लगा, मगरिब हो गई है और क्या, और बस आज अभी शाम में हम बाहर जाने वाले थे काम से, मगर बरसात का मौसम तो पता है कितना बेजारी भरा, इतना बेजारी भरा होता है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं किया शाम से। सोचे तैयार होएंगे मगर दिल नहीं किया बाहर जाने का, तो घर में ही बैठे हैं। अभी कुछ बाहर से मंगाया खाने के लिए, तो इंशाल्लाह अभी वो आ जाएगा तो खा लेंगे, बाहर से ही मंगवा लिए रात का खाना। तो ये सोचा था कि बाहर जाएंगे, पर इतनी बेजारी आई निकलने के लिए, निकलने के टाइम पर तो बेजारी आ जाती है, तो हमारी शक्ल से पता चला कितनी बेजार है, बाहर जाने का दिल नहीं हुआ है। और हमारा तो वाईफाई भी सही नहीं चल रहा, आज ये सारा दिन से कभी रुकता है कभी चलता है, यहाँ वाईफाई का यहाँ कोई सही से इंतज़ाम ही नहीं है। थोड़े दिन पहले सब का गया था, मतलब कहते हैं कि दूर दूर तक सब वाईफाई नहीं था, केबल की तार टूट गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, नेट का हिसाब किताब बिगड़ गया था, तब से अब तक वो सही नहीं हुआ और वाईफाई चलता है, रुकता चलता ही रुकता है। तो ऐसे ही यहाँ का हिसाब कुछ ऐसा ही है, तो हम तो काफ़ी बेजार हैं वैसे भी इस वाईफाई के चलने रुकने से, क्योंकि काम बहुत से रुक जाते हैं, बहुत से अटक जाते हैं, तो घर से जो काम करते हैं उनके काम तो रुकने ही हैं। और बाकी रह गया, बहुत बेजारी का सामना है, तो शक्ल से ही बेजार लग रही हूँ मैं तो काफ़ी, बच्चे अलग बोर हो रहे हैं, मैं अलग बोर हो रही हूँ, और बस फिर देखेंगे इंशाल्लाह। बस बैठ के घर में दुआ कर रहे हैं कि बाबा का बुलावा हो तो हम जल्दी से जाएँ दरगाह, तो होगा इंशाल्लाह उनका बुलावा, वही तो बुलाते हैं मेरे सरकार, तो उनके दरबार में उनके दर पे जाना है, बस वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से बुलावा भेजें, आज कल परसों नसों तो हम जाएँ। और अभी कुछ खाने का मंगाया है, वो आ जाएगा तो खाएँगे, फिर उसके बाद में थोड़ी मतलब एक आध और छोटे छोटे सी वीडियो को शूट करने के बाद में इंशाल्लाह फिर ब्लॉग का एंड कर दूँगी। बेजारी का आलम आप देख सकते हैं कि हमको जाना था बाहर, लेकिन वो भी हो रही है बेजार हो के घर में पड़े पड़े, क्योंकि बाहर बरसात होती रहती है और हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है बारिश में भीगने का, तो वो बेचारी भी सो गई और मैं बैठ के बेजार हो रही हूँ। और कुछ मंगवाया जिसका इंतज़ार है, तो फिर जब आ जाएगा हमारा नाश्ता पानी तो फिर आपको भी बुलाया जाएगा, आप मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए, तभी मैंने जिक्र किया था कि भूख लग रही है, हमने बाहर से कुछ मंगवाया है, तो हमने मंगाए हैं चीज़ वाले मोमो खाने के लिए, ये मोमोज हैं दोनों में, तो अभी हम यही खाएंगे, तो हमारा रात का खाना यही हो गया, और जो कॉफ़ी है तो वो बना के फिर से पियेंगे। तो कभी कभी दिल करता है ना कि ऐसा खाना है, तो फिर ऐसे ही खाते हैं, ठीक है, खाना खाने नहीं अच्छा लग रहा तो ये मोमोज मंगाए हैं जो हम खा लेंगे। और एक बात, और ये जो मैं मंगाई हूँ मैंने, ये रोज़ वाटर है, और ये देखिए आजकल मुंह पे पिंपल्स बहुत हो जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कुछ रिएक्शन हुआ या पता नहीं क्या हुआ, तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, तो मैंने ये भी मंगवाया है आज साथ में। और एक चीज़ बताती हूँ, ये यहाँ देखिए, ये सबसे स्पेशल चीज़ है, ये कप मैंने, जो मैं ऊंजा से लेकर आई थी, जो जब हम गए थे सारे, ये कप मैं ऊंजा से लाई थी स्पेशली, आते वक्त रास्ते में से लिए थे मैंने, तो ये हम जब ऊंजा गए थे तब आपको मैंने ब्लॉग डाला है ऊंजा का भी, तो ये कप जो है मैंने बहुत शौक से लिए थे, ये देखिए, और इतनी अच्छी, पता नहीं इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है क्योंकि यूज़ करने के लिए कल से निकालना है, तो पानी में देखिए मैंने भिगो के रखा है सारे मेरे कप, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ऐसे ही तोड़ के खा जाऊं, तो ये यूज़ करूँगी। तो मैंने बहुत प्यार से लिए थे कप, मुझे बहुत पसंद है मिट्टी के बर्तन, तो मैंने ये कप लिए थे, तो अब इनको इंशाल्लाह निकालूँगी कॉफ़ी वगैरह चाय पीने के वक्त, तो आप देखिएगा। और बस और क्या बोलूँ, अब हम खाएंगे जो मोमोज हमने मंगाए हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ में मोमोज खाने के लिए। और अब तो रात हो गई, सोने का भी वक्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग जल्दी भी सो जाते हैं, देते भी सोते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। तो आज के लिए तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।